वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास में गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु का दिन माना गया है। भगवान बृहस्पति बुद्धि के देवता माने जाते हैं और विवाह के कारक कहलाते हैं। जो भी भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सभी बाधाएं भी भगवान बृहस्पति की कृपा से दूर हो जाती है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान ना थी। वह ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी स्त्री ना कभी स्नान करती थी और ना किसी देवता का पूजन ही किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन किया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई चली जाती थी और फिर लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे और उसको बीन कर वह अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही और रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और सौंदर्य कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर वह लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु हे पिताजी, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। तब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया और फिर मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा
और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और अपना सभी हाल पुत्री से कह सुनाया। तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी व्रत की, जो कि जिससे गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पति भगवान का व्रत करो तो सब दरिद्रता इससे दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं एवं व्रत का कथा श्रवण कर दूसरों को सुनाते हैं, भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी सदैव भगवान बृहस्पति रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना के साथ गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति की कथा का गुणगान किया। तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की, इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर अवश्य ही जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। जो भी जातक बृहस्पति बार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि बृहस्पति बार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में संकल्प ले कि हे भगवान बृहस्पति, आज मैं आपके बृहस्पति बार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान बृहस्पति से कहें। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति बार के दिन इस दिन केले के वृक्ष का भगवान बृहस्पति का स्वरूप मान करके पूजन किया जाता है। अगर केला का वृक्ष ना हो तो घर पे ही भगवान बृहस्पति का फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डालना चाहिए और केले की वृक्ष की 5 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए, नहीं तो 108 परिक्रमा। वहां पे एक दीपक जला करके फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में भगवान को गुड़ और चने के दाल का भगवान बृहस्पति को भोग लगाया जाता है। पीला वस्तु ही भगवान बृहस्पति को अति प्रिय है। पीला भोजन, पीला वस्तु, पीला पदार्थ, पीला वस्त्र भगवान बृहस्पति को अति प्रिय है। तो उन्हें पीला भोजन ही भगवान बृहस्पति को चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ा करके फिर भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से पूजन करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। संध्या के वक्त आरती करनी चाहिए। बृहस्पति बार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति बार के दिन इस दिन नाखून, दाढ़ी, बाल आदि नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं
उन्हें इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का पूजन करते हुए, मनन करते हुए भगवान का जयकारा लगाना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान बृहस्पति का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।